गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज की वीडियो हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय सभी राशियों का राशिफल एवं कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 24 अगस्त शनिवार 2024 श्री सुसम्मत 2081 शक सम्मत 1946 भादो महीना अंधेरा पार पंचमी तिथि सूर्य सिंह राशि में चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र रात में 11:47 रहेगा। तदुपरांत भरि नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य पूरब दिशा परिहार अदरक। कहने का मतलब यह है आज पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तब आपको क्या करना है? अगर पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो आप अदरक खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 9:30 से 10:30 तक, गुलिक काल प्रातः 6:30 से 7:30 तक एवं गंड काल दिन में 1:30 से 3:00 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्यों जो भी कार्य राहु काल में शुरू किए जाते हैं या यात्रा आरंभ की जाती है ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लीजिए। अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोगों के नाम दो अक्षर से मिलकर बने होते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, क्यों हम आपको रास्ता देंगे। देखो भाई, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे प्रवीण कुमार, प्रेम नारायण। अब आप क्या करें? तो भाई प्रा को आप पास देखें, कहने मतलब ये है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे त्रिभुवन, त्रिलोकी। अब आप क्या करें भैया? त्रा को आप ता से देखें, कहने करती है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि ज्ञानचंद, ज्ञानेंद्र। अब आप क्या करें? तो भाई ज्ञा को आप गा से देखें, कहने करती है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर जो है श्रा होता है और श्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्री चंद, श्री नारायण। आप क्या करेंगे? तो भाई श्रा को आप शास देखें, कहने करती है श्रा को आप कुंभ राशि में देखें, ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेकर चलते हैं, यानी हम आपको संपूर्ण राशियों के राशिफल एवं कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी देंगे। एरिस मेष लग राशि के जातकों, आज आपका मन खुश रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता का सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की उम्मीद करें, परंतु रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट होने की योग दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने की योग है। विशेष उपाय लाल कमल पुष्प का दान करिएगा। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग राशि के जातकों, आज खर्चे बढ़ेंगे, बाहरी स्थान से मदद मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं,
भाई बहन से मतभेद होने की योग है। झगड़े झंझट की स्थिति से सावधान रहिए, साहस आज आपका कमजोर रहेगा। विशेष उपाय, सफेद गाय को मखाने की खीर खिलाएं। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, मन खुश रहेगा। हाँ भैया, लव लाइफ वाले को जो है अपने लव पार्टनर से प्यार अच्छा मिलेगा। विशेष उपाय, किसी गरीब ब्राह्मण को दूध का दान करें। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन खुश रहेगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग है, माता को भी सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर आप स्नान करिएगा। लियो सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग उन्नत में बाधा पड़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, परंतु बाहरी स्थानों संबंध अच्छे रहेंगे, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साहस बल आपका मजबूत रहेगा। विशेष उपाय, अपने पिता एवं पिता तुल्य लोगों का अपमान मत करिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज आमदनी मंदी रहेगी, भाई बड़े भाई से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, धन संग्रह करने की योग बन रहे हैं। विशेष उपाय, अपनी बहन और बेटी का अपमान न कीजिए। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं, पिता को सुख प्राप्त होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पति और पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, मन खुश रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, तो आप खुश हो जाइएगा, आज आपको गृहस्थ सुख भी मिलेगा। विशेष उपाय, पत्नी का अपमान न कीजिएगा और अपने पति का भी अपमान न कीजिएगा। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, भाग उन्नत में बाधा होने की दिखाई दे रहे हैं, धार्मिक कामों में अरुचि होगी, झगड़े झंझट की स्थिति से सावधान रहें, खर्चा बढ़ेगा, बाहरी लोगों से सहयोग मिलेंगे। विशेष उपाय, हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प चाहिएगा। सिजिटेरियस यानी धनुराशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, संतान को कष्ट होने की योग दिखाई दे रहे हैं, चिंता बढ़ेगी, भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, साहस बल मजबूत रहेगा, आपके लव पार्टनर से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे। विशेष उपाय, अपने माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाइएगा। कैपिकाल यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ है, पति और पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, खुश हो जाइए, आज आपको गृहस्थ सुख भी मिलेगा। भाई जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा, वाहन सुख भी मिलेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। विशेष उपाय, काले उड़द का दान करिएगा। कुबेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों, फालतू चिंता रहेगी आपको, भाई बहन से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, भाग उन्नत में बाधा पड़ेगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, अपयश मिलने के चांस दिखाई दे रहे। विशेष उपाय, किसी भी गरीब का अपमान न करिएगा। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज विद्यार्थियों को विद्या का लाभ मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा,
धन संग्रह करने के योग हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, कुल योग की शक्ति का भी कुछ लाभ प्राप्त होगा, आयु में वृद्धि होगी। विशेष उपाय, अपने पति का अपमान न कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए उपायों से आपको लाभ मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आवश्यक सूचना आप पर कहीं से भी तंत्र प्रयोग करवाया गया है, आपके बच्चों पर, आप पर, आपके परिवार पर किसी ने जादू टोना या मारण प्रयोग करवाया है, आपके घर में भूत प्रेत प्रचार आदि बुरी शक्तियों का निवास है, आपका बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, सुख कर हड्डियों का ढांचा बन गया है आदि ऊपरी सह बाधा से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाता है एवं ज्योतिष में हस्ते का परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, विवाह आदि मांगलिक कार्य भी करवाए जाते हैं। मोबाइल नंबर 98072553, व्हाट्सएप नंबर 98072553। नेगी गेस्ट हाउस के सामने पार्क के पास केशवपुरम आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता दी।